भाई साहब पूरे छत पे हमारी कोई चरण देखो। हाँ, कितने भर गए, पूरी भर गई छत पे बताओ। हाँ देख लो कितनी, तोता ना है, मिर्च डाल दी है, वो डाल दें उन्हें कोई खाई ना रहा, खुंद रहे हैं सारे, कोई मतलब ना उनते तो बाजरा चुंग रहे हैं। हाँ तो तोता आएंगे जब तो देख उड़ेगे और सकरे। ये देखो मम्मी ने बाजरा डाल दिया इधर, तो कुछ चिड़िया आके खा रही है बीड़ी। ये बाजरा डाल दिया, इसको डेली डालती है मम्मी यहाँ पे बाजरा, और यहाँ पर आके इतनी सारी चिड़िया आती, कहीं दिखे ना दिखे हमारे घर चिड़िया ज़रूर दिखेंगी। ये देखो तोता बैठे हैं, हाँ, यहाँ ये बाजरा डाल दिया, ये खा रही है, उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई। ये देखो ये नहीं उड़ा भाई, बहादुर है, अरे उड़ गया ये भी। देखो तोते बैठे हैं, पिट्ठू जल्दी जल्दी आती हैं, उतनी जल्दी उड़ जाती हैं। देखो उड़ गई, फिर आएंगे देखना, अभी फिर आ गई, फिर आ गई और देखना फिर उड़ाओ। उड़ बहुत जल्दी, डर जाती है ना, बहुत छोटी छोटी हैं, देखो उड़ गई चिड़ियों को, ये पूरा खा चुकी हैं, ये आप देख सकते हो पूरा ख़त्म। अब इनको बाजरा डालती हैं इधर, तो मम्मी जो है चिड़ियों को बाजरा वगैरह डाल देती हैं, इस वजह से हमारे यहाँ पे तोते कबूतर पता नहीं क्या क्या आता भाई, और चिड़ियों ने सारा बाजरा ख़त्म कर दिया है। और ये मैं दोबारा इनके लिए बाजरा लेके जा रहा हूँ, ठंडे हुए मम्मी हर बार डालती हैं, इनके लिए बाजरा लेती हैं इनके लिए स्पेशल। इतनी सारी बैठी हैं सब, इसी का इंतजार कर रही हैं, यहाँ पे बाजरा जाएगा और ये आएंगे इधर। देखो अभी देखो ये सारी आ चुकी हैं दोबारा से, अभी आराम से इधर खाएंगी, तोते कबूतर सब लोग आते हैं इधर। तोते नहीं दिख रहे हैं, ये देखो लकड़ियाँ रखी हैं, लकड़ियों के ऊपर है ये, इसको खा लेंगी फिर दोबारा डाला जाएगा इनके लिए, इनका पूरा ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। सो हे गाइस, यार कैसे हो सभी लोग। सो जैसा कि आप देख सकते हो गांव में आज बहुत कोहरा हो रहा है, ये देखो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, पास का भी नहीं दिख रहा है, थोड़ी सी पास का दिख रहा है। तो आज का वीडियो इस टॉपिक पर है कि मैंने जो पिछला ब्लॉग डाला था तो उसके ऊपर कई लोगों ने कमेंट किया था कि भाई तुम्हारे इतने सब्सक्राइबर कैसे हो गए। तो भाई मैं उन लोगों को बता दूं, मेरा जो चैनल है ये पहले एक गेमिंग चैनल था जिसका नाम मैंने चेंज किया है आसिफ ब्लॉग करके, पहले इसका नाम था YTB7H। तो इसमें क्या हुआ था कि मेरे वीडियो में रीयूज कॉन्टेंट आ गया था, क्योंकि वो गेमिंग चैनल था, मैंने उसमें आवाज़ वगैरह भी नहीं दी थी, ना ही अपना फेस दिखाया था, तो इस वजह से उसमें रीयूज कॉन्टेंट आ गया था। और इस वजह से भाई वो जो है वो किया, अप्लाई किया, तो इस वजह से मैंने एक बार अप्लाई किया तो वो हुआ नहीं, फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया था, और दोबारा अप्लाई किया तो फिर उसमें मतलब मैंने आवाज़ डाल दी, फिर दोबारा अप्लाई किया तो फिर भी पता नहीं किस वजह से दोबारा उसमें क्या नाम है रीयूज कॉन्टेंट आ गया। तो भाई मैं परेशान, मैंने कहा भाई लो मतलब इतना मेहनत से तो ग्रो किया है और ये रीयूज दोबारा आ गया, तो मैंने कहा यार अब इसको ऐसा है, मैं उस टाइम लद्दाख गया हुआ था, तो लद्दाख में गया हुआ था तो वहाँ के काफ़ी अच्छे सीन वगैरह थे, काफ़ी मतलब बढ़िया जगह थी, मैंने कहा भाई अब यहाँ आए हैं तो अब इधर ब्लॉग बनाओ, तो इस वजह से मैंने वहाँ पर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो इसमें फेस भी दिखेगा और नज़ारे भी सब लोग को देखने को मिलेंगे, आवाज़ वगैरह सब होगी, तो मैंने कहा ये सबसे बेस्ट रहेगा, तो इस वजह से मैंने इसमें ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। आप लोगों के लिए भी ये सलाह, जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो यूट्यूब चैनल अपना मतलब चला रहे हैं जो भी है, तो भाई आप जो लोग हैं जो भी करते हैं तो उसमें क्या है कि आप आवाज़ वगैरह अगर दे रहे हो, जैसे आप फेस नहीं दिखा रहे हो, तो उसमें मतलब मैंने भी एक क्रिएटर की वीडियो देखी थी तो वो वाकई में इफ़ेक्टिव है उसका जो चैनल है, आप उसमें जैसे आप अपनी आवाज़ दे रहे हो खाली, उसमें अगर वो नहीं कर रहे हो आप फेस नहीं दिखा रहे हो, अगर आप सिर्फ आवाज़ दे रहे हो तो आप कर सकते हो कि आप उसमें आपके सोशल मीडिया लिंक्स जो होते हैं आप उनको डालिए, वीडियो के अंदर डालिए, और जो आपका अबाउट सेक्शन होता है आपको जो चैनल का, उसमें आप अपने सोशल मीडिया लिंक्स डाल दिए। इससे ये होता है कि चैनल को जैसे लगता है कभी कभार कि ये आदमी नहीं है, ये रोबोट है, और रोबोट वगैरह जैसे किसी ने ऐसे सेट कर दिया है कि पीछे से ऐसी रोबोटी आवाज़ चल रही है, तो उससे ये है कि वो सोशल मीडिया पर जाकर आपके यूट्यूब वाले
यूट्यूब टीम जो होती है रिव्यू जो करती है चैनल का, वो आपके सोशल मीडिया लिंक पर जाएंगे और उसके बाद जो है वो जो लिंक्स के जरिए आपको देखेंगे कि हाँ भाई ये वही बंदा है और ये रियल बंदा है और ये जो है मतलब कंटेंट डाल रहा है तो ये खुद की इसकी आवाज़ है, ये रियल है, तो इससे ये बेनिफिट होगा। तो बस इतना ही था भाई। और क्या नाम है आप देख सकते हो गांव में बहुत कोहरा है और मैं बाहर आया हुआ हूँ खेत में।